हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सभी को। एक्चुअली आज वीडियो बनानी थी जेवलिन के साथ। मैंने बोला भी था रात को आपको कि, लेकिन वो कैमरा मैन अपना है ना, थोड़ा वो बेहोश है बेहोश मतलब बीमार है, तो इसलिए नहीं बना पाया। ग्राउंड जाना था तो गया नहीं, फिर वो बीमार है तो फिर मैं भी सोचा छोड़ो। तो वीडियो किसी और टॉपिक पे बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम। दो टॉपिक हैं आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा चीजें। वैसे सबसे जो कोई भी बुरी चीज है या हम बैड हैबिट सीखते हैं, वो शुरुआत उसकी एक से होती है। जैसे आप ग्राउंड नहीं जाओगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक दिन ना जाने से क्या हो रहा है? ठीक है, आपको कोई आपका फ्रेंड है वो सिगरेट बीड़ी लेता है या कुछ भी अल्कोहल लेता है, तो आप उसका भी साथ मत करो। वो किसी भी तरह का आपका सीनियर नहीं हो सकता जो आपको इन चीजों में आपको रोके ना, या आपको खुद बोले ले भाई पकड़। तो ये चीजें आपको सबको अवॉइड खुद करनी है, कोई आपको नहीं बोलेगा तो भी। तो इन सब का सलूशन, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा सलूशन ये है कि आप अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर किया करो। पेरेंट्स से आपके अच्छे दोस्त होते हैं, जितने अच्छे आपके सगे भाई बहन आपके जहां स्टैंड कर लेंगे, उतना कोई आपका बाहर वाला नहीं स्टैंड करेगा। या कोई रेयर होता है जो आपकी स्ट्रांग बोन होता है, जो जो वो फिर ऐसी जगह पे स्टैंड कर जाएगा जहां आपके ब्लड रिलेशन वाले भी हैं, वहां नहीं स्टैंड करेंगे तो वो वहां पर स्टैंड कर लेगा। ऐसे ऐसे पर्सन मेरी लाइफ में भी हैं, जो मेरे कोच हैं वही मेरी लाइफ में हैं। तो आप कोशिश करो कि या तो आपका कोई ऐसा सीनियर मित्र हो, दोस्त हो, जिससे आप शेयर कर सको बातें कोई भी, ठीक है। और किसी भी बैड हैबिट में मत जाओ कि जो किसी तरह की एडिक्शन है, तो ये सारी चीजें आप छोड़ो। और एक और थी बात के, कंपटीशन जब पास में आ जाता है तो किस टाइप की ट्रेनिंग करते हो आप? तो इसके ऊपर काफी लोगों ने व्यू दिए हैं कि जो ऑफ सीजन में ट्रेनिंग कर रहे हैं वही करती रहनी है, या कुछ चेंज करना है, या उसके अंदर कितना वर्कआउट कम करना है या बढ़ाना है। तो आपकी कोशिश ये रहे कि पहली बात, जब आपके कंपटीशन में लगभग 1 महीना रह जाए तो आप वर्कआउट धीरे धीरे कम करना, उसका लोड उतारना शुरू कर दो। लोड क्या होता है, जो आपके रेपिटेशन वेट ट्रेनिंग के अंदर भी 5-6 रेपिटेशन थे, वो आप 4-3 पे ले आओ, 4-3-2, 4-3-2, इतने रेपिटेशन वर्क आ जाएगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि रनवे वर्क करना है, थ्रो नहीं करनी। नंबर ऑफ थ्रोज, नंबर ऑफ थ्रोज का मतलब है कि थ्रोज की जो क्वांटिटी है, जो आप ऑफ सीजन के अंदर 20-25-30 थ्रो मारते रहे हो, वो सीजन के अंदर आपको आके 8 थ्रो 10 थ्रो बहुत है मैक्सिमम, और वो भी फुल एफर्ट से नहीं मारनी, वो भी 60-70% से करनी है। उनके अंदर एक आधी थ्रो आप 80% की छोड़ दो, ताकि आपकी रेंज भी ओपन होती रहे, रेंज खुले थोड़ी सी थ्रो की। जैसे आपने बहुत एथलीट्स देखे होंगे, वो रेंज ओपन नहीं करते तो वो फिर कंपटीशन के अंदर जाके भी अपनी बेस्ट नहीं कर पाते, बेस्ट अपना दे ही नहीं पाते, क्योंकि वर्कआउट का लोड उतना ही रहता है और जैसा प्रैक्टिस थी वैसा ही कंपटीशन खेल लिया। तो कुछ चेंज होते हैं, दोनों में सिमिलरिटीज नहीं है, टोटल चेंज है। कंपटीशन के अंदर आपको 6 थ्रो करनी है, 6 थ्रो के लिए आपके पास एंडोरेंस होना चाहिए, स्पीड, ताकत, जो आपने ऑफ सीजन से ऑलरेडी जनरेट कर ली है, बॉडी के अंदर आपके बन चुकी है, उसको आप कॉम्पिटिशन के अंदर ले जाके कैसे कम करें। कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पीरियड में इंजरी से बचना है, इंजरी बहुत जल्दी आती है उस टाइम पे। क्यों आने के चांसेस, एक तो हम रेंज खोलते हैं, एक रीजन ये हो जाता है, और दूसरा रीजन है कि हमारे मसल क्विक होना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे। तो अगर आप स्प्रिंटर हैं तो आपके देखोगे बहुत सारे स्प्रिंटर सीजन के अंदर आके उनके हैमस्ट्रिंग पुल हो जाते हैं। ऐसे जेवलिन थ्रोर या कोई और, जेवलिन थ्रोर की बात करूं तो एल्बो शोल्डर्स और ग्रोइन, ये 3 चीजें ऐसी हैं ये बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाती हैं। तो उस टाइम पे आके ध्यान ये चीज रखना है कि आपको ऑल आउट कुछ कहीं नहीं जाना। ऑल आउट का मतलब होता है 100%, वो आप अपने कंपटीशन में जाओ। कंपटीशन वाले दिन आप जब फील करते होंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी पहले से ज्यादा मिलती है, और आप 100% दे सकते हैं उसके अंदर। अगर अगर आप पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं तो फिर आप 100% नहीं दे पाओगे।
तो कोशिश करो कंपटीशन से, जब महीना एक रह जाता है उसके अंदर, 1 मंथ रह जाता है, तो आप वर्कआउट का लोड धीरे 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 कम करना शुरू कर दो, ठीक है। उस टाइम पे रनवे वर्क करना है आपको, जो कुछ बोलते हैं स्टार्टिंग का रनवे स्पीड बहुत तेज है, पर जब चेक मार्क आ जाता है उसके बाद स्पीड स्लो हो जाती है। एक्चुअली जो रनवे वर्क करते हैं आप, स्टार्टिंग हमेशा स्लो होती है, और क्रॉस स्टेप जहां पर चेक मार्क रखा होता है वहां से 3 से 4 मीटर पहले, 3 से 4 मीटर पहले चेक मार्क से पहले स्पीड उठानी होती है आपको, ठीक है। जहाज भी कभी स्टार्टिंग में तेज नहीं भाग जाता और लास्ट में टूट नहीं जाता, वो भी स्टार्टिंग स्लो है, देन जब उड़ना होता है फिर वो 700-800 की स्पीड पे होता है। तो ऐसे ही आप लोगों का भी है, जब थ्रो के मूवमेंट्स में जाते हैं आप, जब खाली रनवे की मूवमेंट में जाते हैं, तो उसके अंदर आपको लास्ट वाली मूवमेंट है वो तेज करनी है, आगे क्रॉसिंग क्रॉसिंग करते निकल जाओ, फॉल लाइन का प्रवाह मत करो, फॉल लाइन भी क्रॉस कर दो, ठीक है। और जब आप थ्रो करो तो कंपटीशन से 30-40 दिन पहले कोशिश करो कि फाउल रोकने स्टार्ट कर दो। अगर आपको हैबिट है कि फाउल करके ही थ्रो करते हो, तो जैसे आपका कंपटीशन पास में आ जाता है तो फाउल रोकने स्टार्ट कर दो 30-40 दिन पहले, जितनी भी थ्रो करनी है विदाउट फाउल करनी है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उससे कि हाँ, कुछ ग्राउंड में तो बहुत अच्छी थ्रो मारते हैं क्योंकि फाउल का डर नहीं होता, और जैसे वो कंपटीशन के अंदर जाते हैं वहां पर फाउल रोकना होता है, वहां पर सीधी 6-6 मीटर 8-8 मीटर थ्रो डाउन आ जाती है। 6 to 8 मीटर थ्रो डाउन आने का रीजन यही है कि आपने फाउल रोक के प्रैक्टिस में थ्रो नहीं करके आए हो, और जो जर्क के ऊपर हाउ टू इम्प्रूव योर आर्म फास्ट, ये वो चीज थी कि मैंने बताई थी इसके ऊपर भी कि आप क्रिकेट की बॉल ज्यादा से ज्यादा नेट के अंदर थ्रो करो। जो बिगनर्स हैं जिनकी एज अंडर 14 है या 15-16 है, वो भी बॉल थ्रो के साथ ज्यादा पंगे लिया करो, ना कि जेवलिन के ऊपर आपको जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप अगर थ्रो भी करनी है तो 600 ग्राम्स की जेवलिन के साथ थोड़ी बहुत थ्रो कर ली, अदरवाइज बॉल थ्रो नेट के अंदर करनी है आपको, सेम जेवलिन वाले एक्शन के साथ, सेम रनवे भी होगा आपका, फुल रनवे नहीं आना है वहां पर, हाफ रनवे आना है, और क्रॉस स्टेप उतने ही आएंगे जितने आपके थ्रो के अंदर आते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो 7 हो सकते हैं, वैसे अगर आप बिगनर हैं तो 5 क्रॉस इनफ है आपके लिए, 6-7 क्रॉस एक्चुअली आपकी स्पीड डेड कर देंगे, वो तब फायदा है जब आपकी लेग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी स्क्वाट बहुत अप लेवल की है, तब आपको फायदा है कि कन्वर्ट करने में आसानी रहती है। जब आप स्टार्टिंग आपकी लेग्स में पावर नहीं है और आप 7 स्टेप लेते हो, तो लास्ट में जाके देखना आपके नी बेंड हो जाते हैं, ठीक है, एक बॉडी मतलब टाइट हो जाती है, वो फोल्ड हो जाना बॉडी का, वो चीज हो जाती है। तो कोशिश करो जब आप लास्ट में नेट के अंदर थ्रो करो तो 5 स्टेप ही रखो, 7 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, और कोशिश ये रहो कि जैसे इंजरी के 2 टाइम चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के, एक तो जब आपने नई नई जेवलिन स्टार्ट करी है तो उस टाइम आपकी एल्बो के ऊपर बहुत लोड आता होगा, या बॉल थ्रो भी करते हो तो एल्बो के ऊपर लोड बहुत आता है, तो आप एल्बो कवर एडवांस में पहन के रखा करो, जैसे वार्म अप टाइम पे नहीं पहनना, एबीसी टाइम पे नहीं पहनना, उसके बाद हल्की सी मूव लगा के और इसके बाद एल्बो कवर पहन के फिर जितनी थ्रो करनी है करो, ठीक है। ये वो चीज आपको बता रहा हूं कि आप इंजरी किसी तरीके से खाओ मत एल्बो की, और एल्बो इंजरी एक ऐसी इंजरी है जो आपके बड़ों बड़ों की जेवलिन छुड़वा भी देती है। इंजरी तो खैर हर बुरी होती है, पर एल्बो इंजरी थोड़ी ज्यादा स्पेसिफिक इंजरी है, जेवलिन के अंदर आती आती है, तो इसको पहले से ही अवॉइड करके चलो। इसके अलावा रनवे वर्क जो बताया था आपको उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान देना, रनवे ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्रो से पहले बॉडी को थ्रो के लायक बनाओ, रनवे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, स्पीड वाला होना चाहिए, क्योंकि जब आप अंडर 20 रहते हैं ना तो आपकी बॉडी में स्पीड एक नेचुरल सी बात है, बहुत स्पीड होती है, उस टाइम पे स्पीड को रोकना भी है, ये नहीं है कि ओवर स्पीड की वजह से आपने कोई इंजरी खा ली। और जंप के ऊपर काम किया करो, सैंड के अंदर जंपिंग एक्सरसाइज ज्यादा करो, जंपिंग के ऊपर भी मेरे को एक दिन वीडियो बनाऊंगा, कि खैर आज मैं सच्ची में रनवे के ऊपर आपको जो प्रॉब्लम्स आती है ना उनके ऊपर वीडियो बनाता,
करने कैसे हैं, चेक मार्क कैसे रखना है, फ्लो कैसा हो, रनिंग क्रॉसिंग कैसी हो, या अटैकिंग अटैकिंग क्या होती है जिसको हम इम्पल्स बोल लेते हैं, वो सब तो मैंने बता दिया है। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, लेफ्ट में भाग जाना, राइट में भागना, या जैवलिन अंदर रखी है तो बाहर निकल आना एक टाइम पे और फिर एल्बो के ऊपर झटका लग जाना, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजों के ऊपर तो आज वीडियो बना देता लेकिन क्या वो साथ वाला पार्टनर है उसकी थोड़ी सेहत खराब हो गई, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो पेंडिंग रह गई आपकी। और सेकंड, जंपिंग एक्सप्लोसिव कैसे गेन करें आप ज्यादा से ज्यादा, एक्सप्लोसिव के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कई तरह के जंप आएंगे, हर्डल्स जंप, बॉक्स जंप, हॉपिंग बाउंडिंग और सैंड जंप, डबल लेग वो लेके जाना है, कंटिन्यू डबल लेग जंप, ये चीज होगी। और कुछ वर्टिकल्स भी होंगे विद डंबल्स के साथ, नीचे डाउन और ऊपर फास्ट उठना, ये भी चीज है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मेरे को वीडियो बनानी है। तो कोशिश करो यार कि आप किसी भी ऐसे इंसान की संगत मत करो जो आपको किसी भी बैड हैबिट में डाले, वो किसी तरह का नशा हो सकता है, वो चोरी टाइप हो सकता है, वो फोन की एक बैड एडिक्शन गेम हो सकती है, या किसी भी तरह की कोई हैबिट हो सकती है, उन चीजों को आप छोड़ो, ये चीजें नहीं जरूरी है। और तभी तभी बोल रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, सिस्टर आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, जो जो जहां पर सिस्टर खड़ी हो जाएगी वहां पर भाई भी खड़ा नहीं होता, तो सिस्टर के साथ भी आप बात शेयर किया करो कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा फ्रेंड था वो, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब के ऊपर बड़े मैसेज आए कि कईयों की, मैंने थोड़ी देर पहले ना एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको पैसा देख के आ रहे हो, पॉपुलरिटी देख के आ रहे हो, फेमस या होने के लिए देख के आ रहे हो कि जेवलिन करनी है तो आप मत आओ, सच मानना। उस वीडियो के नीचे मेरे पास स्पेशल लड़कियों के कमेंट थे कि यस के हाँ आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे ब्रदर्स जो छोटे भाई हैं, कईयों के बड़े भाई थे, कि वो ऐसे गेम में कर जेवलिन ज्वाइन कर ली थी, पहले वो ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन अब वो जेवलिन करने लगे थे तो पढ़ाई कहीं ना कहीं खराब हो रही थी, तो उन्होंने ये चीज मैंने बोला था कि फेमस होने के लिए बताओ, तो बोले कि आपका थैंक यू कि आपने ये चीजें हमें बताई कि फेमस होने के लिए नहीं आना है, अगर सक्सेस देख के नहीं आना, हार्ड वर्किंग आप, आपके अंदर दिल से वो इच्छा होनी चाहिए, देन वो चीज आपके लिए फायदा करेगी, कारगर होगी। अगर आप लालच देख के आ रहे हो तो कोई भी चीज, लालच के पीछे कुछ भी नहीं आपके पास आता। तो स्कॉलरशिप के ऊपर भी कल बता दिए थे पॉइंट, तो अब कोशिश करना कि यार बैड हैबिट ये सब चीजों के अंदर मत जाना, वो भले आपकी किसी भी तरह की बैड हैबिट हो सकती है, ठीक है। और जो नई वीडियो बनाऊंगा ना वो मैं जल्दी ही आपके पास बना के अपलोड कर दूंगा, जंप के ऊपर एक बनानी है, थ्रोस के रनवे फॉल्ट के ऊपर एक वीडियो बनानी है, तो कोशिश करते हैं नई वीडियो में मिलते हैं। तो कुछ इतना ज्यादा था नहीं टॉपिक, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था तो आज अपलोड करनी थी मेरे को और कर नहीं पाया, तो तभी मैं ये वीडियो बनाने लगा। ओके ठीक है, मिलते हैं, मैं कल प्रॉमिस करता हूँ कल बना दूंगा, कल हमारा शायद थ्रो डे है, मुझे थ्रो नहीं करनी, रनवे वर्क करना है, तो रनवे के ऊपर मैं काफी चीजें बता दूंगा आपको। ओके मिलते हैं कल, रनवे के अंदर क्या फॉल्ट हो सकते हैं, तकरीबन ऑल फॉल्ट बता दूंगा कि कईयों की मारते टाइम जेवलिन हाथ खुल जाता है, ये चीज ऐसे हो जाती है, ग्रिप ऐसे पकड़ रखा है ये खुल जाएगा, तो इस चीज के ऊपर भी बताऊंगा कि कैसे पकड़े जेवलिन को, आप बहुत ज्यादा टाइट कर लेते हैं तो भी जेवलिन के अंदर जान नहीं मार पाते हो, क्योंकि आपने किसी के थप्पड़ मारा होगा तो देखो जितना लूज रखते हो उतनी अच्छे तरीके से मारते हैं, जितना आप इसको टाइट करोगे उतना नहीं मार पाओगे, तो वो चीज है, जेवलिन एक फ्लिक है, फ्लिक और थप्पड़ में कोई खास फर्क नहीं है, ये सेम सिमिलर सी चीज है, तो जितना लूज पकड़ोगे, जितना हाई पकड़ के रखोगे उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगी आपको। तो कल मैं सारे टोटल इसके फॉल्ट, जो जो आते हैं फॉल्ट ड्यूरिंग रनवे, वो मैं आपको बता दूंगा, कल वीडियो बना दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू।